आज का एपिसोड खास है। आज का एपिसोड एक रेस्टोरेंट के बारे में नहीं, एक शेफ के बारे में है। टू बी ऑनेस्ट बहुत खुशी हो रही है। जिसने सपना देखा था, एक सरफिरा सपना। So here we are at Surefire and we have been calling it Surefire. We just checked, इसका नाम है क्या? कुछ कहानियां होती हैं कि आप उस जगह को देखें और फिर वहां जाएं। आपका? नमस्कार, क्या होना चाहिए? हेलो हेलो हेलो, वंडरफुल, हाउ आर यू? Tell me, how do you pronounce the name? Surefire. It's named after. देखो, देखो. And we are, I was very sure it was Surefire and then I said कि कहीं ये Surefire तो नहीं है? नहीं, ऊपर एक्सेंट है ना, कभी तो काम आएगा। कुछ कहानियां होती हैं कुछ ऐसे खाने की जगह की जहां पर आप दोबारा कभी आ सके, और कुछ कहानियां ऐसी जगह की होती हैं जहां पर आप कभी दोबारा नहीं जा सकते क्योंकि अब वो जगह है ही नहीं। आज कहानी दीवानगी की, आज कहानी ईशानी प्रियदर्शनी सिन्हा की। ईशानी का रेस्टोरेंट सरफिरे शायद अभी आपको ना मिले, लेकिन मैं आपको मिलवाना चाह रहा हूं ईशानी के इस दिमाग से, सोच से। जी हाँ, शी इज अ पर्सन जो अपने सर्विसेज ऑफर करती हैं। अगर आप अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहो, देखते रहिए उनका हुनर। तैयार रहेंगे कुछ खास देखने के लिए? सपना चाहे टूट जाए लेकिन दिल में आग बची रहनी चाहिए। I have never seen a crab like this. The pure crab. Never seen it frozen in time. Actually, fried in time. Let's start here. बहुत भूख लगी है। तो स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। Today we are at a very interesting restaurant. इसका नाम है Surefire. Actually, we could take surf for sea. Okay. And fire for spice. And combine it. But then Surefire means nothing. Nothing. So then, college में सीखा हुआ French काम आया, accent लगा दिया, Surefire बना दिया। एक्सेंट के साथ सरफिरे। एक्सेंट के साथ। So let's dive into it. और क्या डिशेस थे यार, क्या बनाने का तरीका। What is this? I mean, this is an interesting design. This is a potato tornado. अब देखिए, बंगाल में आप रेस्टोरेंट खोलोगे, आलू भाजा नहीं रहेगा, ये तो हो नहीं सकता। ये तो नहीं हो सकता, करेक्ट। पर फ्रेंच फ्राइज होगा तो कोस्टल नहीं होगा। करेक्ट है। So this is from exact stuff you find in Tamil Nadu beaches with an addition of cheese sauce. Potato tornado. इस एपिसोड के दौरान आप जो देखेंगे, मैं चाहता हूं कि आप महसूस करें इस खाने को, क्योंकि हम सचमुच कुछ अमेजिंग लोगों से मिलते हैं खाते खाते। ये कहानी है मेरे दोस्तों की जिनके साथ ऐसी खास जगहों को डिस्कवर करता हूं। Don't mind, I'm very Patel. मैं बहुत careful रहता हूँ कि मैं कहाँ पर जाके खाऊँ। I carry my own cutlery. Okay. Yeah. Would you like to watch your cutlery? I watch my cutlery. दो क्या है था? I've never had a crab fried in this form. It's like mid motion में इसको कर दिया गया। Is that a good thing or a bad thing? Good thing. Good. तब ठीक। ईशानी ने मुझे कहा था कि एक मसाला है इनके यहाँ पर। आई कैन फील द स्पाइस ईशानी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्रैब इज अमेजिंग। थैंक यू। एंड यू गॉट द बैटर आल्सो राइट। कहते हैं कमाल है भाई, बहुत जरूरी है। ये पूरा फुल फॉर्म में था। सो दिस गेट वार्म। अपेरेंटली वो क्रैब्स भी जिंदगी में एक बार शेल छोड़ देते हैं, उसी टाइम दे आर इमीडिएटली पिक्ड अप एंड फार्म। सो दिस डज नॉट ग्रो इन द वाइल्ड, दिस पर्टिकुलर वैरायटी। इट हैज टू बी फार्म्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पिक्ड अप एट अ गिवन टाइम, व्हिच इज व्हाई इट इज सो डिफिकल्ट टू गेट इट इन इंडिया। अमेजिंग। थैंक यू। जोन में, थैंक यू। वॉशिंग डाउन द क्रैब। दोस्तों याद रखिए,
जरूरी नहीं है कि हर सपना पूरा हो, लेकिन सपने देखने की हिम्मत रखना बहुत जरूरी है। ईशानी, तुम सचमुच कमाल हो, गजब हो। और जीना, तुम तो अमेजिंग हो ही। तुम ऐसी अमेजिंग जगहों पर मुझे लेकर जाती हो जहां पर लोग सपने देखते हैं। बिजनेस क्या होता है दोस्त? बिजनेस होता है जब एक हुनर दूसरे हुनर से मिलता है। ईशानी के पास हुनर है कुछ खास खाना बनाने का। आपके पास हो सकता है हुनर हो बिजनेस करने का, या कोई जगह हो जहां पर आप बिजनेस करना चाहते हैं। आप आगे बढ़ सकते हैं। कुछ यूनिक रेसिपीज आपका इंतजार कर रहे हैं आप ही के रेस्टोरेंट में। कम जॉइन अस। आई टोल्ड यू इट्स गुड स्टफ। तो जीना की खासियत है कि मोस्ट अमेजिंग प्लेसेस इन कोलकाता over the years she's been taking it. Aisa hi hai. Aisa kuch nahi. Aisa hi hai. Aashish da magic hai, to magic ho jata hai. Yeah, mokhi pe rehne chahiye ki mere ko ek koya phone. Aha. Amazing. This is amazing. It's Malayali. But what is it? Did they keep? Keep about it? It's just a mushroom tossed with some masala. Some masala. तो देखिए ये खासियत होती है जब आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं तो आप मसाला नहीं बोलते, आप बोलते हैं some masala. तेरा मशरूम तो लूट गया बेटा. What is this? बताओ. Prawn genestee. On a stick. I mean, like you can't get more basic. You can't go basic than that. Get prawns on a stick. Fantastic. So let's try. Beach food. Yeah. This is beach food. Happy prawn on a stick. Oh. So I love your batter. Keep things basic. So they khate like. Oh. जहां पर बन रहा है एक खास अप्पम। अप्पम इट वॉज अमेजिंग। मटन के साथ अप्पम, क्या बताऊं यार। This was Kerala in Kolkata. How will it taste with some mutton in this? Please try. This is looking so good. To be honest, बहुत खुशी हो रही है। शुद्ध ham cheese. Let's check this. ham cheese. ये आज आपको क्या मजा आ रहा है कि बहुत सारी बातचीत के बीच में मैं चुपचाप खा रहा हूँ। ईशानी की मजेदार बात यह थी कि ईशानी हर चीज में इम्प्रोवाइज करती हैं, खाने में, मसाले में, सोच में। ये आपके अंदर भी कुछ खासियत है ना दोस्त। हम लोग सब इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं, एक ही चीज को अलग अलग सोच, अलग अलग विधाओं से बनाना चाहते हैं। आपका चाहे कुछ भी बिजनेस हो, कुछ भी काम, याद रखिए दोस्त, उसको अपने पैशन के साथ करिए। ओके। अप्पम्स आर यूजुअली ऐड विद समथिंग, राइट? बट समटाइम्स यू हंग्री एंड यू कम टू अ रेस्टोरेंट एंड यू आर अलोन, यू डोंट वांट टू हैव वन ग्रेवी एंड दिस। सो व्हाट वी डिड, लाइक अ पिज़्ज़ा, हूएवर लाइक्स व्हाटएवर, चिकन, हैम, चिलीज, मशरूम, व्हाटएवर यू वांट, सिंपली पुट इट इन द अप्पम एंड इंस्टेड ऑफ सर्विंग विद अ करी, यू सिंपली पुट अ नाइस स्पाइसी धनेपत्ता चटनी। So then this can just become a meal on its own. So just to let you know, sachmuch zone mein hai bhai. Matlab amazing. Right. Authentic chettinad swad hai iska. Ah. Sappam ke saath khate hain.
बेसिकली ईशानी को मैंने पूछा कि भाई व्हाट इज द सीक्रेट सॉस एंड द रेसिपी, नहीं बताया. He's telling me all these things. Love. Put it at the right time, as you said. It's the secret ingredient in sarfire is time. This mutton is amazing. अगर जगह होती मैं उड़ा देता है उसको, मैं नहीं कर पाऊंगा. So I'm just sticking to the prawn. चाहे वो prawn था, चाहे वो mutton, चाहे वो गजब के desserts थे, मैं बताता हूँ, Ishani is an amazing chef. मेरी chef दोस्त, क्या खाना बनाती हो? मैं जानता हूं तुम्हारा ये हुनर वेस्ट नहीं जाएगा. तुमने ये जो सपना देखा था सरफिरे में, ये और कई रूप कई आयाम लेगा. बेस्ट विशेस, बेस्ट विशेस, बेस्ट विशेस. श्रीखंड का अमेरिकन वर्जन. कम क्लोजर स्वप्निल, दिस इज अमेजिंग. आहा, जोन में भाई, नो डाउट. सो खाना क्या है मेरे लिए? अगर ऑनेस्टली अगर पूछो ना, मेरे लिए खाना एक एक्सपीरियंस है. मैं लोगों से मिलता हूँ, लोगों से गपियाता हूँ, और मुझे गपियाना बहुत पसंद करता है. दैट्स अ टर्म दैट माय मदर यूज्ड टू यूज. राजस्थान की थी माँ, और कहती थी कि गपियाते हैं. मुझे गपियाना सचमुच पसंद है, और आज मुझे ईशानी के साथ गपियाने में बहुत पसंद आया. हर थॉट्स अबाउट फूड, जिंदगी. सो मुबारक आपको. Thank you. This is truly a southern coastal restaurant with a twist, and I love the twist. I'm so happy you love the food, because you know, jab plate khali hota hai na, that's the biggest compliment a restaurant owner or a chef can get. And of course, we have to thank the lady because of whom I'm here, Gina Mitrabalik. Gina, bahut clearly ek aisi friend hai hamari jo. मैं जब भी शहर आता हूँ या आने की सोचता हूँ, मैं जीना को एक फ़ोन करता हूँ. एंड श्योर एनफ जीना मुझे ऐसे रेफरेंसेस देती हैं जहाँ पर मुझे एक बहुत ही अलग किस्म के एक्सपीरियंस होते हैं. तो डिस्कवरी बहुत, क्यूरियोसिटी बहुत अच्छी चीज़ है और रहना चाहिए लोगों में. एंड दैट्स व्हाट आई कनेक्ट विद यू आल्सो. एंड आई विल नेवर फॉरगेट, आई विल टेक दिस मोमेंट टू से दैट व्हेन आई लॉस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ मी, दैट वाज माय डैड. एंड आशीष वाज हियर फॉर अ शूट. He left everything and took me out to lunch. I was a very broken person, and usually I'm a very strong person. So I think that bonding with Ashishta, and it kind of just happened. And frankly speaking, we always talk about a lot of things, but end of the day, I think we have a good time together. That's all that matters. Lovely. Thank you, Ashishta. Thank you, Gina. Gina Mitrabanik. Met her by chance and I'm grateful to life that I did. तो जिंदाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल थॉट्स. बंधु, अगर आपको ये कुछ थॉट्स इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज़ अपने कॉमेंट्स में बताइएगा कैसे लगे. याद रखिएगा, हम में से सब में कुछ खास है, सिर्फ पहचानने की देरी है. थैंक यू ईशानी. वेलकम. थैंक यू नाइसा, थैंक यू फॉर बीइंग देयर. ओके, आई होप दैट वी डिडंट बोर यू टू मच. जीता वो है जो सपने देखने की हिम्मत रखता है. ईशानी प्रियदर्शनी सिन्हा, मैं जानता हूं तुम सपने देखती रहोगी, और तुम्हारे सपनों के साथ साथ न जाने कितने लोगों के सपने पूरे होंगे, पूरे देश में, पूरे विश्व में भी. टेक केयर, सपने देखते रहना, और ये बढ़िया खाना बनाते रहना, लोगों को सिखाते रहना. अल शुक्रन बंधु, अल शुक्रन जिंदगी, अल शुक्रन सपने.